नमस्ते दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है टॉली वॉली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो को स्किप किए बिना पूरे वीडियो को शेष तक देखते रहिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब की दीजिए और बेल आइकन को भी अल्पे सेट कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि रुचिका को रुचिका के फैमिली मेंबर्स ने कैसे बर्थडे विश की है। तो आइए देखते हैं रुचिका के फैमिली मेंबर्स ने रुचिका को बर्थडे पर कैसे बर्थडे विश की है। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आप लोगों को पहले ये बता दें कि शहीर ने अपने पत्नी रुचिका को सोशल मीडिया पर बर्थडे विश नहीं की है। शहीर अपने पर्सनल लाइफ ज़्यादा नहीं शेयर करते हैं, लेकिन रुचिका के फैमिली मेंबर्स ने रुचिका को बर्थडे विश की है सोशल मीडिया पर। रुचिका के दीदी राधिका मर्जुरिया से लेकर रुचिका के छोटे ननद इफ्रा, उनके हस्बैंड और देवर, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने बर्थडे विश की है। तो आइए देखते हैं उस बर्थडे विश को। सारे बर्थडे विश के पिक्चर पर रुचिका को बहुत ही खूबसूरत लग रही है। रुचिका के छोटे ननंद के हस्बैंड ने एक कपल पोस्ट पर रुचिका को बर्थडे विश की है। उस पिक्चर पर शहीर, रुचिका और शहीर के छोटे बहन और उनके हस्बैंड चारों एक साथ नजर आ रही है। शहीर के छोटे बहन भी अपने सोशल मीडिया पर अपने भाभी के साथ एक क्यूट सी पिक्चर पोस्ट की है। उस पिक्चर पर उन्होंने भाभी को बर्थडे विश की है। रुचिका की दीदी के साथ एक पिक्चर भी दिखा दिया सोशल मीडिया पर, जो पिक्चर रुचिका की दीदी ने पोस्ट किया था। और एक पिक्चर पर रुचिका के भांजा भांजी को दिखा जा रहा है, तो ये पिक्चर भी रुचिका की दीदी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। तो ऐसे ही रुचिका के फैमिली मेंबर्स ने रुचिका को बर्थडे विश की है। तो आप लोगों को रुचिका के फैमिली मेंबर्स के बर्थडे विश कैसा लगा यह हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हर तरीके के न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब की दीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाए सबसे पहले। और हमारा आज के वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ रहिए। बाय।